आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित मदारपुर गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में भागवती देवी इस गांव की प्रधान है, जिन्होंने गाँव में विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करी है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों को ग्रामवासियों को वितरित भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा लगभग 50 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए दर दर भटकना ना पड़े। वहीं गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए उनके द्वारा 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में लगभग 165 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने गांव में जाकर प्रधान के द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि प्रधान द्वारा लगभग 900 मीटर सीसी टाइल सड़कों का निर्माण किया गया है, तो वहीं 45 शौचालयों का निर्माण कर गांव को शौचमुक्त बनाने का भी काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि गांव में 29 आवास बनाए गए हैं, जिनको ग्रामीणों को आवंटित भी किया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों को खुले में रहना ना पड़े। वहीं स्कूल की बाउंड्री व मिट्टी का भराव भी स्कूल में बेहद अच्छे तरीके से जारी है। वर्तमान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने कि एबीपीएस न्यूज टीम के कैमरे से बात करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में और सड़कों का निर्माण करवाएं, साथ ही साथ गांव में पंचायत घर, 15 आवास व नालों का निर्माण कराएं, साथ ही गांव में ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा प्लेटें भी लगवाएं, जिससे ग्रामीणों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत मंदारपुर से हूँ। मैंने अब तक बहुत से कार्य किए हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य किया है, पेंट कराना, उसमें टाइल्स लगाना, उनका सौंदर्यकरण, और स्कूलों में कार्य चल रहा है, स्कूलों में मैंने बाउंड्री वॉल करवाई है और शौचालयों का निर्माण करवाया है और कुछ पात्र लोगों का आवास भी निर्माण करवाए हैं और कुछ सड़कें बनवाई हैं और शौचालय बनाए जा रहे हैं पात्र लोगों के। अब तक जो हैं 50 शौचालय बनाए जा चुके हैं और 150 शौचालय और बनाने की जो है कार्य प्रगति पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो है पैसा कम होने के कारण मैं अपनी ग्राम पंचायत में सही से कार्य नहीं करवा पाया हूं। अभी भी बहुत से रास्ते बेकार हैं और कई जगह कीचड़ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजकर और गांव के विकास में सहयोग करें। ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज़ टीम से बात करते हुए बताया कि गांव में प्रधान द्वारा पानी की निकासी की व्यवस्था तो ठीक करा दी गई है, लेकिन अभी भी यहां पे स्वास्थ्य सेवाएं बदतर स्थिति में दिखाई देती हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार इसकी ओर ध्यान दे, जिससे ग्रामीणों को किसी तरीके की तकलीफों से ना गुजरना पड़े। मेरा नाम लखपुष कुमार है, मैं ग्राम पंचायत मदारपुर का रहने वाला हूँ। ये शौचालय हमारा प्रधान जी ने बनवाया है, प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उससे अच्छे स्वभाव से काम कर रहे हैं, किसी से कोई कुछ नहीं है।